तो सूरज कंप्यूटर्स, आज हम आपको बताते हैं एचपी का ये लेजर जेट 3055 प्रिंटर के बारे में। इसमें अभी क्या है कि जब भी हम इसमें पावर प्लग कर रहे हैं तो ये कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, लाइकली ये एक तरह से डेड हो चुका है। ये प्रिंटर आप ये देख सकते हैं, इस पे इस तरह के जब भी कोई कंडीशन में ये प्रिंटर आता है तो इसमें सबसे पहले हम सप्लाई का चेक करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं सप्लाई कार्ड इधर पड़े है। इसमें सबसे फर्स्ट टाइम इसमें प्रॉब्लम आती है, ये आप देख सकते हैं। हमारे टेक्नीशियन अभी इसका सप्लाई कार्ड चेक करेंगे कहाँ कहाँ पावर आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं देख सकते हैं। हमने अभी इसमें पावर दिया, पावर प्लग जो है इन किया, बट फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही इस प्रिंटर में, ना ही इधर कोई यहाँ डिस्प्ले पे कोई ऐसा इंटरफेस आ रहा है। पावर सप्लाई चेक करने के बाद हम एक बार अगर वहाँ से पावर सही तरीके से आती है तो उसके बाद हम इशू कार्ड पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इशू कार्ड आता है, इसमें उसके बाद प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ हमें इशू कार्ड देखते हैं और फिर इशू कार्ड पे भी सारी चीज़ ओके होती हैं तो फिर यहाँ पे ये लास्ट में आता है एक लॉजिक कार्ड। यहाँ कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर भी हम सारी चीज़ चेक करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि फॉल्ट क्या है इसमें, और उसके बाद हम देने से रिपेयर करते हैं। जो भी अगर कोई पार्ट चेंज करना होता है तो चेंज भी किया जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके प्रिंटर में आता है तो आप सूरज कंप्यूटर को संपर्क कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स हर तरह के प्रिंटर को रिपेयर करता है, यहाँ तक कि उसके साथ साथ डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप सारी चीज़ें रिपेयर करता है।